नहीं भाई। Assalamualaikum, welcome back to another video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्राइजेस ईद के बाद कम हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, बात ये है कि ईद से पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या ईद के बाद प्राइजेस कम होंगी या नहीं होंगी। तो रिसेंटली मैं गया था फीस सेंटर, कुछ लड़के भी मुझसे पूछ रहे थे यार मैसेज करके कि भाई बताओ प्राइजेस कम हुई हैं कि नहीं ईद के बाद। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यार मैं कोई शॉपकीपर नहीं हूँ, ना मैं किसी शॉप में काम करता हूँ, ना मेरी कोई शॉप है, ठीक है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मार्केट जाएंगे तो उसका पता चलेगा, ठीक है ना। मार्केट जाओगे आपको वहाँ पर प्राइजेस पता चल जाएंगे, क्या चल रही है, क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। सो कंडीशन है यार, आप जाओगे तो पता चलेगा ना, एवं थोड़ी पता चल जाता है। हाँ, अगर मैं कोई शॉपकीपर हूँ फिर तो मुझे पता हो, मैं बता दूं, पर इस तरह नहीं होता ना यार। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की, मेन टॉपिक की बात करते हैं कि प्राइजेस कम हुई है कि नहीं। तो यार मैं आपको सीरियसली बताऊं, जिस शॉप में मैं जाता था गेमिंग शॉप के अंदर, तो सभी का आंसर होता था नहीं। ये सब यही कह रहे थे नहीं प्राइजेस नहीं कम हुई। अच्छा तो भाई मैंने कहा कि भाई कब तक कम होंगी या प्राइजेस का चांसेस कब है कि कब डाउन होंगी, थोड़ा बहुत आइडिया दे दें। किसी गेमिंग शॉप वाले ने कहा कि भाई आप आ जाना 2022 में आ जाना, तब प्राइजेस कम होंगी। किसी ने कहा कि भाई आप 3 महीने बाद, 3 मंथ्स लगेंगे प्राइजेस को कम होने में। और एक के पास मैं गया, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे हफीज सेंटर की बात कर रहा हूँ, लाहौर के हफीज सेंटर की, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। शायद कुछ प्लेसेस पे प्राइजेस कम हो या ज्यादा इससे भी, तो कराची में मैं कुछ कह नहीं सकता। कराची नाज प्लाजा है, उधर की एक पॉपुलर शॉप है एक्सट्रीम हार्डवेयर, वो थोड़ी प्राइजेस कम दे रहे हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं है। तो मैं एक बात बता रहा था आपको कि मैं एक शॉप के अंदर एंटर हुआ, गेमिंग शॉप है सेकंड फ्लोर पे हफीज सेंटर की, पॉपुलर शॉप है, ठीक है। मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने ना एक छोटी सी वीडियो बनानी है अपने यूट्यूब के लिए, तो काइंडली आप मुझे बता दिएगा कि प्राइजेस कब कम होंगी। तो उन्होंने बोला क्या कहा आगे से, कहता है किसी को आइडिया नहीं है, मुझे भी नहीं पता कब कम होनी है। तो मैंने इनकी छोटी सी एक क्लिप बनाई है, मैं जरा वीडियो बना रहा था अभी, तो उन्होंने बात पहले शुरू कर दी, तो बीच में जो है ना थोड़ी सी बात उनकी रिकॉर्ड हुई थी, मैं ये सुने जरा। कोई नहीं है हमें, मतलब आगे ऑर्डर कोई नहीं है, हमारे पास सामान ही नहीं है। तो ये बात उन्होंने की कि भाई कोई शॉपकीपर कह रहे हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास स्टॉक नहीं है, ये नहीं है। सो एट द लास्ट सबकी बातें सुनने के बाद शॉपकीपर्स की, मैंने भाई क्या कहना है, मैंने भी कहा भाई ये मैंने कहा कि भाई ओके भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये सूरत हाल चल रही है आजकल मार्केट की, कुछ कह नहीं सकते यार, प्राइजेस का मुझे भी नहीं पता कब डाउन होंगी, तो बस इंतजार करते रहें, एटलीस्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वेट करें, इंशाल्लाह प्राइजेस कम होंगी, तो आप देन जाएं और बाय करें अपना पीसी। ओके, तो ये थी आज थोड़ी सी मैं वीडियो बनाई थी आपके लिए, बता दूं कि यार प्राइजेस अभी तक स्टिल वही हैं, कम नहीं हुई, ठीक है। तो जिसने पीसी बनाना है वो बना ले, जिसको इंतजार नहीं हो रहा वो कह रहे मैंने अभी बनाना है तो वो जाके बनवा ले, ठीक है। और जिसने अभी इंतजार करना है, थोड़ा वेट करना है, अच्छी बात है वेट करें, और प्राइजेस कम हो तो आप ले लें पीसी। ओके, अगर वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें यार, एंड ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, एंड मुझे फॉलो कर लें फेसबुक पे। सी यू इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।